पुलिसगिरी लखनऊ में कुछ दबंगों द्वारा एक वर्दीधारी दरोगा को पीटने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार थाना हसनगंज क्षेत्र के निराला नगर पुलिस चौकी के पास पीलीभीत से आए दरोगा विनोद कुमार के साथ अभद्रता और मारपीट की गई। निराला नगर पुलिस चौकी से महज 300 मीटर दूर बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दरोगा विनोद कुमार की कार द रेजिडेंस होटल के बाहर एक कार से टकरा गई। टक्कर के बाद दबंगों ने वर्दीधारी सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार को घेर कर थप्पड़ जड़ दिया। जिसके बाद मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं दरोगा विनोद कुमार किसी आयोग के कागज लाने लखनऊ आए थे। दरोगा विनोद कुमार ने हसनगंज थाने पहुंचकर तहरीर दी है। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के आला अधिकारियों ने वायरल की गई वीडियो का संज्ञान लेते हुए जनपद पीलीभीत से आए दरोगा विनोद कुमार को थप्पड़ मारने वाले आरोपी समेत चार लोगों को हसनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वीडियो में आशीष शुक्ला ने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा कि मैंने जो किया बहुत गलत किया, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की है। आपका नाम? आशीष शुक्ला। पिता का नाम? आरा शुक्ला। आपका पता? बीआरएचएल लखनऊ। आपने जो दरोगा जी को थप्पड़ मारा है वो सही किया है कि गलत? गलत किया है। तो आपको एक वर्दी धारक को मारना चाहिए था? नहीं मारना चाहिए। आपने पुलिस विभाग के जो है बदनामी करी है, ये आपको करना चाहिए था? आप अपनी गलती मानते हैं? फिलहाल हसनगंज थाने में खड़ा ये शख्स कोई और नहीं, पीलीभीत से लखनऊ आए एक दरोगा को थप्पड़ मारने वाला आरोपी है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। टाइम 24 न्यूज के लिए लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।